आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव इस समय हम मेन नगर विधानसभा और के बॉर्डर पे हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव नीरव मंच पर हैं। उनके समर्थन में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ वासियों से दिनेश लाल यादव के जिताने की अपील कर रहे हैं और चुनाव के प्रभारी श्री संजय राय और साथ में मंच पर उपस्थित प्रदेश के मंत्री गण भी यहाँ मौजूद हैं। क्षेत्र के भारतीय प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद हैं। वहीं अनिल राजभर सुप्रसिद्ध और गायक और भी यहाँ मंत्री मंच पर हैं। नीरज शेखर सांसद भी हैं। आज देखना ये होगा कि आज की जो भीड़ है यहाँ पे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने आई है, आज योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ वासियों को क्या देते हैं। प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण से अनिल राजभर जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के चुनाव को लेकर काफी गंभीर हैं और जैसा भारतीय जनता पार्टी ने यह सोच बना रखा है कि इस बार हम आजमगढ़ सीट से कमल खिलाएंगे। विगत कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभाओं में जीत की अपील कर रही है और ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है, जनसंपर्क जारी है। अब मुख्यमंत्री का आगमन आज चुनाव को देखते हुए, जैसा कि आपको बताना चाहेंगे 23 जून को यहां का चुनाव है, समर्थन करने के लिए आज 19 जून है। मुख्यमंत्री की जो दो सभा है आज आजमगढ़ में, पहली सभा यहाँ है और दूसरी सभा जो है गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के बिलरियागंज में है। यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री वहाँ जाएंगे और वहाँ के जनसभा को संबोधित करेंगे। अब सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी इस बार का चुनाव, आजमगढ़ का चुनाव जीतना चाहती है, उसको लेकर पूरी ताकत लगा के बैठी है। आज आप देख सकते हैं कि हजारों की भीड़ इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। आज बच्चे भी हैं यहाँ, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग जवान सभी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं। अभी उन्होंने करीब आधा घंटा पहले उनका आगमन हुआ, आगमन हेलीपैड स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। फिर उसके बाद वह सीधे मंच पर आए। उसके पहले दिनेश लाल यादव ने जनसभा को संबोधित किया। फिर दिनेश लाल यादव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दिनेश लाल यादव को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी है। भारी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान खड़े हैं। सुरक्षा व्यवस्था योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा में कहा कि आजमगढ़ वासियों ने उत्तर प्रदेश को दो दो मुख्यमंत्री दिया, इसके बाद भी आजमगढ़ का विकास नहीं हो पाया। खुले चुनावी मंच से उन्होंने कहा कि आजमगढ़ वासियों ने पार्टी की सरकार